हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा उत्तपम। इसको बनाना बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं और देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए लगभग 2 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप, हरी और लाल शिमला मिर्च, आपके पास जो भी कलर की शिमला मिर्च हो आप वो ले सकते हैं, कटी हुई प्याज, कटा हुआ टमाटर जिसके मैंने बीज निकाल दिए हैं, श्रेडेड यानी कि कसी हुई मोजरेला चीज़, स्लाइस्ड ऑलिव्स, मसालों में हमको चाहिए होगा नमक, पिज़्ज़ा सीजनिंग और कुटी हुई काली मिर्च। और फ्रेंड्स, ये हमारा उत्पम का बैटर है जिसको हमने लगभग 1 कप सूजी में पानी, नमक और सोडा डालकर गाढ़ा घोल बना लिया है। उसके बाद मैंने इसको 10 मिनट रेस्ट भी दिया था, तो देखिए ये गाढ़ा घोल बनकर तैयार हो गया है। अब बस चलिए इसको बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन गरम किया हुआ है, इसमें हम अपना उत्पम का बैटर डालेंगे। ये देखिए लगभग 2 बड़ा चम्मच मैंने इसमें उत्पम का बैटर डाल दिया है। इसको हम थोड़ा सा मोटा ही फैलाएंगे क्योंकि इस पर हमें पिज्ज़ा बनाना होगा। इसको ऐसे ही हम कुछ सेकंड के लिए सिकने देंगे जब तक इसमें बबल्स ना आने लगे। जब इसमें बबल्स आने लगे तब हम इसमें किनारे किनारे ऑयल डालेंगे और इसको कुछ सेकेंड और सिकने देंगे। अब बस इसको हम ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाकर इसको हम मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए सेकेंगे। 1 मिनट के बाद हम ढक्कन अपना हटाएंगे और इसको फ्लिप करेंगे यानी कि पलटेंगे। पलटने के बाद आप देख सकते हैं कि ऊपर की परत बिल्कुल सिक गई है और नीचे की सिकना बाकी है, तो बस हम ऊपर की परत में टॉपिंग्स लगाना शुरू करेंगे। ये देखिए सबसे पहले हम इस पर अपनी केचप लगाएंगे। केचप की जगह आप पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं। अच्छे से केचप लगाने के बाद इसको हम मोजरेला चीज़ से कवर करेंगे। एजेस थोड़े से हम किनारे छोड़ देंगे। शिमला मिर्च डालेंगे, प्याज फैलाएंगे, थोड़ा सा डेकोरेट करते हुए हमें इसको फैलाना होगा, तभी हमारा पिज़्ज़ा बनकर सुंदर लगेगा। इसके बाद हम इस पर टमाटर भी डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है, ये काफ़ी कलरफुल और काफ़ी देखने में ही काफ़ी हेल्दी लग रहा है। इसमें स्लाइस्ड ऑलिव्स भी डाल देंगे। ये देखिए मैंने ऑलिव्स भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फैला दिए हैं। आप चाहे तो कम या ज़्यादा अपने हिसाब से इसको आप ऑलिव्स की क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं। अब बस हम इस पे पिज़्ज़ा सीजनिंग डालेंगे, नमक डालेंगे और कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स है आप वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसको हम दोबारा मोज़रेला चीज़ से कवर करेंगे। चीज़ की क्वांटिटी भी आप अपने अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। इस पर ऑलिव्स डालेंगे ताकि ये बनने के बाद यानी कि चीज़ पिघलने के बाद ये सुंदर लगे, और उस पर थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग पर छिड़केंगे, कवर करेंगे और इसको लगभग चीज़ के पिघलने तक पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स चीज़ बिल्कुल पिघल गई है और बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। आप इसको खाइए, खिलाइए और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।